अस्सलाम वालेकुम जी, घर पहुंच गए हैं और अब मैं बनाने लगी हूँ बिटेरे। सब कह रहे थे कि बाहर से कुछ ले आते हैं, सफ़र करके आए। मैं कर नहीं, बस और बाहर का नहीं खा सकते। अब मैं ख़ुद बटेरे बनाऊंगी अपने हाथों से, बटेरों का शोरबा। बहुत आसान है, फिर कभी रेसिपी रिकॉर्ड करेंगे। अब ना रेसिपीज भी रिकॉर्ड करनी है, नहीं नहीं मेरे पास है जी बेटे। पराठा, थैंक यू। मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सिलेक्ट हो गए हैं लोग। इधर आओ, आप कुरान पाक पढ़ रही है। सिलेक्ट हो गए हैं जी लोग। अच्छा, मुझे ना आप लोग से बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। जो नए ब्लॉगर्स हैं और कुछ लड़कियां हैं, उनको ईमेल करनी नहीं आती कि हमने किस तरह ईमेल अगले बंदे को करनी है कि वो हमारा काम देखे। ना नाम, ना अपना इंस्टाग्राम लिंक, ना वीडियो का लिंक, ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ना टाइटल, कुछ भी नहीं। सिर्फ डायरेक्ट एक वीडियो भेज दिए। इस तरह कैसे पता चलेगा आपका नाम क्या है, आपका इंस्टाग्राम आईडी कौन सा है, टाइटल क्या है? तो इस पे थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। कोई भी ब्रांड इस तरह अप्रोच नहीं करता जिसको ईमेल तक लिखनी नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जी, अपडेट ये है जी, लॉन्च की तैयारियां फुल जोरों शोर से चल रही हैं। जो ब्लॉगर सिलेक्ट हो गए उनको टीम की तरफ से सब डिटेल्स आ जाएंगी। आप लोग भी अपनी सब डिटेल्स आज रात तक शेयर कर दीजिएगा। कल उनके पार्सल्स अर्जेंट कूरियर करवा दिए जाएंगे। 19 फ्राइडे है जी पोस्टिंग और लॉन्च की डेट, डेडलाइन नहीं है। अगर कोई मसला होता है, घर में कोई बीमार होता है, तो आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी है, आप लोग एक आध दिन आगे पीछे कर सकते हैं, उसके कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस रिलैक्स होकर कॉन्टेंट बनाना है, टेंशन लेके नहीं बनाना। समझ रहे हैं कि आप लोग अपनी चीज़ ही ऑडियंस को दिखा रहे हैं। अच्छा लगा अच्छा बोल दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो कह दीजिएगा नहीं अच्छी लगी, इसमें भी कोई मसला नहीं है। और सबकी पेमेंट्स उनको मिल जाएंगी पोस्टिंग के फौरन बाद, इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, गुड लक। हाँ जी जनाब, अपडेट ये है जी, सब चीज़ें पैक होने लगी हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स का कोलैबोरेशन है, ये देखें जी, सब चीज़ें मैंने इस तरह सेट कर दी हैं, दो दिन तक सबके पास डिलीवर हो जाएंगी। इस दफ़ा जितने थे सिलेक्ट हो गए हैं, जो बाकी रह गए हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट दफ़ा दोबारा ईमेल एड्रेस दूंगी। आप लोग दोबारा अपने तब तक वीडियोस बना लें, प्रॉपर लाइटिंग सेटअप कर लें, हर चीज़ सेटअप सेटअप कर लें, फिर नेक्स्ट टाइम आपको सिलेक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? हेल्दी हेल्दी खाना, सुबह सुबह दही डाला है, 1 टेबलस्पून हल्की सी ओट्स डाली है, इतने से हमने डाल दिए हैं चिया सीड्स और इसके ऊपर मैं एक खजूर डाल दूंगी। ये हम मिक्स कर लेंगे और खा लेंगे। अच्छा, पम्पकिन सीड्स मैंने ऑर्डर किए हैं, पम्पकिन सीड्स आ जाएंगे ना, वो भी मैं इसके अंदर डालूंगी। फिर दही खाने के बाद जी, एक अंडे का ऑमलेट देसी घी में, 2 स्लाइस और चाय विदाउट शुगर। जो लोग डाइट प्लान मांग रहे हैं, मेरा कोई भी डाइट प्लान नहीं, मैंने एक आधा किलो कम करना होता है, वो मैं अपने हिसाब से देख के बॉडी के अकॉर्डिंगली मैं ना डाइट कर लेती हूँ। जिसने ज़्यादा वेट लॉस करना है उनको उस हिसाब से प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, ट्रेडमिल भी करनी पड़ेगी। मैं ट्रेडमिल करूँगी और 2 मील्स रखूँगी। सुबह मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैं 7:30-8 बजे करीब दूसरा मील लूँगी, उसके दरमियान मैं चाय कॉफ़ी लूँगी लेकिन विदाउट शुगर। ठीक है जी, और पानी पीऊँगी ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आज मैंने कोई इतनी ईमेल्स चेक की हैं कि इस वक्त मेरी आंखें सी सी कर रही हैं। हुए हुए, लैपटॉप बंद किया और मोबाइल पकड़ के बैठ गई। नहीं, मोबाइल अब मैं रखने लगी हूँ, अब ज़रा आंखों पर रेस्ट देने लगी हूँ, मुंह धोती हूँ, ज़रा सीधा बदरा करती हूँ। आप लोग बताएं क्या कर रहे हैं? अभी मेरी ट्रेडमिल रहती है करने वाली, वो रात को करूंगी, या सोच रही हूँ कि कल ही कर लूँ, रात को काम कर लूँ। मेरी 2-3 वीडियोस भी पेंडिंग है, एक ही काम हो सकता है क्योंकि वीडियोस में इतनी एनर्जी मेंटली और फिजिकली लग जाती है ना, 2 दिन की ट्रेडमिल समझो हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आज क्या नींद पूरी हुई है, ओहो। 8:30 बजे बच्चों को सुलाने के लिए लेटी हूँ, मुझे नहीं पता बच्चे कब सोए हैं लेकिन मैं सो गई हूँ, और मैं सुबह ईमान को स्कूल छोड़ने के वक्त उठी हूँ। उफ, मेरी आंखों से आप लोग पता चल रहा है, ये देखिए कैसे सूजी पड़ी है। उठते सारी मैंने नहाया,
मैंने पहले ईमान को छोड़ा है, फिर नहाया है, अब मैंने कॉफी बना के पी है, मुझे थोड़ी सी होश आई है। अब दोबारा थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी वैस सो रहा है, दायम भी सो रहा है, जब उठेंगे उनको ज़रा हम हेलो सलाम करेंगे। अब मैं अपने स्टूडियो में आ गई हूँ, थोड़ा सा काम शाम करते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम जो काम हो जाता है ना बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। फिर ईमान ने 12:30 तक आ जाना होता है, बड़ा ही एंड आती है। उफ, अब बड़ी हो गई है, हर बाबे इवनिंग करना, इवनिंग करना, वो भी करना, इवनिंग करना, इवनिंग 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 इवनिंग। मैंने कहा तुम्हारी मिन 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 शुरू हो गई है, मैंने कहा दो लगानी है मैंने तुम्हारी। अब उसने कहा है कि सुबह हमने ना पहले ना ईमान को मैं लिप बाम हल्की सी लगा देती थी लिप्स पे ना, तो कहती मम्मा मैंने लिप बाम नहीं लगानी, मैंने ना आपकी ग्लॉस लगानी है। तो कल मैंने ना सारी इसके सामने रख दी, मैंने कहा चूज करो इसमें कौन सी लगानी है, उसको पसंद आई पिंकी, जो हल्की सी ना शाइन देती है पिंक पिंक कलर का ना। तो उसने अपने ना पोनी वाले बॉक्स के अंदर वो रख दी है, सुबह वो लगा के गई है, मम्मा मेरे लिप्स थे कितने प्यारे लग रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, लिप बाम उठा के मुझे पकड़ा दी, मम्मा ये आप ले लें। तो बड़ी हो गई है, अब मुझे कल रात कह रही थी मम्मा मैंने ना स्कर्ट पहनी है, स्कर्ट के नीचे ऐसे करके लाइंस वाली टाइट्स, टाइट्स के ऊपर मैंने ब्लाउज लेना है, ब्लाउज इधर से वो होनी चाहिए, मैंने कहा अच्छा लेके देती हूँ तुम्हें, मैं ठहर जाता हूँ क्योंकि ऑनलाइन स्किनी है ना, तो ऑनलाइन स्कर्ट नहीं मंगवा सकती, पहन के देखेगी जो अच्छी लगेगी ले ले, लेकिन फिर ऑनलाइन देखती रहती है चीज़ें। अब उसको सिरी यूज़ करना आ गया, सिरी को बुलाती है और हर चीज़ सर्च कर लेती है।